चलो अभी आगे बढ़ो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ये कैविटी वाला सवाल नहीं है, पहली बार इसके अंदर क्या हुआ, एक फुटबॉल है, फुटबॉल का रेडियस क्या है, सिक्स आर। इस फुटबॉल के अंदर अपन ने एक छोटी बॉल और डाल दिया जिसका रेडियस क्या है बेटा, आर। ठीक है, इसको यहां से रिलीज कर दिया, इसको यहां से क्या कर दिया, रिलीज। अगर इसको यहां से रिलीज करूंगा तो बॉल क्या इसके अलोंग ऐसे जाएगी, जब ये इसके अलोंग ऐसे जाएगी तो क्या एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्सेस जीरो रहेंगे। अरे जितना नॉर्मल ये इस पे इधर लगाएगी उतना नॉर्मल ये बाहर वाला जो स्फीयर है ये भी तो इस पे अंदर लगाएगा। लगाएगा कि नहीं, ये जाएगी ऐसे रोल करते हुए यहाँ तक पहुँचेगी। आप लोगों को बताना है जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी तो आपके बड़े वाले स्फीयर का डिस्प्लेस क्या होगा। आपको बताना है जब ये वाला स्फीयर छोटा वाला अंदर से स्लाइड होके इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में यहाँ पर आ जाएगा तो इस बड़े वाले स्फीयर का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ क्या होगा। ठीक है, या ऐसा बोल देते हैं कि अगर ये इसका सेंटर है तो हाउ मच विल द सेंटर गेट शिफ्टेड, हाउ मच विल द सेंटर गेट शिफ्टेड। क्वेश्चन समझ में आ गया, करो। लगाना तो वही है, M1R1 is M2R2। समझ ही नहीं आ रहा, आ गया ना समझ। इसका मास क्या मान रहे हो, चल इसका कैपिटल M मान ले, इसका स्मॉल M मान ले। अब करो, बताओ क्या लिखूं, M1R1 equals to, बता M1 कितना, छोटा M को मान लूं M1, इसका R कितना है, कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ओ ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है यहां से यहां तक, कितना, मैं बोल रहा हूँ ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ये 6R है भाई साहब, ध्यान दो। एक मिनट, ये कितना डिस्प्लेस हो गया, 6R, 12R, 10R, 10R-X, 10R, ये कैसी बातें कर रहे हो। अच्छा एक चीज बता, इसका रेडियस ही R है ना, तो R तो ये इधर से खा गया और जब ये इधर पहुंचा होगा तब मान ले इसकी कंडीशन ये हो गई, तो R तो इसने इधर के खा लिए थे और जब ये यहां पर पहुंचता तो इधर का भी तो R खा गया, तो असली में इसका डिस्टेंस क्या 10R ही है सेंटर से सेंटर का। इमेजिन कर, ये बड़ा वाला, ये छोटा इधर, अब ये छोटा इधर, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, क्या बेटा 10R ही है, ये टोटल 12R है यहाँ तक, पर ये तो 10R है ना, तो इसके सेंटर को कहाँ पहुंचना था, यहाँ पर, ये पार्ट आगे बढ़ के कहाँ पहुंच गया, x आगे, तो बोल कितना चला, 10R माइनस फील आती है, तो ये वाला जो इसका सेंटर सी है ये कहीं आगे शिफ्ट हो गया सी डैश पे, तो बोल क्या लिखूंगा, एम इंटू 10R माइनस शुड बी इक्वल टू क्या, कैपिटल M इंटू एक्स, खत्म, सॉल्व कर ले आंसर, कितना आ रहा है, x की वैल्यू आ रही है 10R अपॉन M प्लस M, ये आ रहा है 10MR, छोटा MR बड़ा MR, हाँ अब सही है, पहले तो डायमेंशनली इनकरेक्ट, आपके लेंथ के डायमेंशन आ रहे थे केजी पर मीटर में, मतलब हाँ नहीं मीटर पर केजी में, किसी को नजर आया आंसर आता हुआ, अच्छा सवाल है, एग्जाम में जाके हम यही गलती करते हैं, 12R माइनस एक्स कर देते हैं, कुछ लोग तो 8R ही कर देते हैं बेशर्मों की तरह, सोचते भी नहीं है कि कितना गलत बोल रहे हैं, पर चलो कोई बात नहीं, आओ चलो पटाखे फोड़ो, बेटा पटाखा होता है वो, इट इज नॉट फटाका, इट इज पटाखा, प्लीज अपनी टर्मिनोलॉजी सही करें।
नहीं तो आप दिवाली पे बहुत फटाके चलाते हो। आप फटाके नहीं, आप पटाखे चलाते हैं। ध्यान दीजिए, दिवाली पे क्या चलाते हैं? आरब, आरब तो चॉकलेट नहीं लाया है, घर पे छोड़ दिया या लेते ही खा लिए? लेते टाइम तो मन में सरते के सर को दूंगा, जैसे ही हाथ में ही मैं ही खा लेता हूँ, छोड़ो ऐसा। चलो देखते हैं, तो फ्यूजन ऑफ बॉम्ब, सुनिए मेरी बात। देखो जब ये पटाखे वगैरह फूटते हैं ना तो बहुत नुकसान होता है, बड़े बड़े बॉम्ब फूट गए, एटम बॉम्ब वगैरह फूट गए। आप लोगों ने वो एक्सप्लोजन के वीडियो देखे हैं? वो दिखाते हैं कई बार टीवी के ऊपर आ जाता है, बॉम्ब फूटा तो आपने देखा होगा, पहले एकदम से है ना कंडेंस ही होती है एनर्जी, फिर एकदम से फैल जाती है। आप लोगों ने अगर देखा हो हल्क वर्सेस थॉर फायर फाइट सीन, दोनों के घूस से टकरा रहे हैं, एनर्जी रूड के जा रही है, देखा है अभी आप लोगों? तो इस सब टाइम पे क्या होता है, इस सब टाइम के ऊपर है ना बहुत अलग तरह के फंडे लग रहे होते हैं, हालांकि वो अपने फ्यूजन ऑफ बॉम्ब का नहीं है, बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया आप लोगों से। अपना जब भी बॉम्ब फूट रहा होता है तो ऐसा तो नहीं है हथौड़ा लिया ले धड़ फूट जा, ऐसा रोड़ी ना करते, अपने आप फूटता है ना। आप क्या करके आते हो? ठीक तो करके आते हो, चिंगारी लगा के आ रहे थे लोग और चीजें अपने आप ही फट जाती हैं। अपने को सिर्फ क्या लगानी है, आग तो अपने आप लग जाती है। तो चिंगारी को ही भड़के तो आग अपने आप लग जाए, है ना, और जो आग लग जाए तो पटाखा। अब सुनिए, जो पटाखा फूट रहा है ना, इस समय कहानी क्या होती है ना कि अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्सेज होती हैं, बारूद बारूद होता है ना, तो बारूद के कारण क्या होता है, जो अंदर की जो फोर्सेज है ना वो पटाखा फूटने के टाइम इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं कि उनके आगे एमजी वेमजी की कोई औकात नहीं रहती। और आपने कभी नोटिस किया हो तो पटाखा जब फूटता है ना तो उसके टुकड़े ऐसे तितर बितर दूर दूर फैल जाते हैं। मजे की बात पता है क्या है, क्योंकि इंटरनल फोर्सेज इतनी ज़्यादा हैं और इतनी हैवी हैं और इतनी बड़ी हैं आपके एमजी के कंपैरिजन में, आपके एमजी के कंपैरिजन में इतनी बड़ी होती हैं कि आपने देखा होगा कि पटाखा तो होता है ऐसे हल्का सा ही, पर जब वो फूटने के बाद में उससे जो सामान निकल के आता है वो बहुत दूर दूर तक शूट करता है। देखा आपने, बुलेट बम आता था बचपन में, चलाते थे ऊपर जाती थी, याद है वो? वो कई बार है ना कहीं दूर चलाते थे, आके भी पड़ता था, मेरे तो एक बार पड़ा है, मेरे तो एक बार पड़ा था, यहाँ नहीं पड़ा था, मेरे यहाँ पड़ा था, तो यहाँ तो प्रॉपर आते हैं। तो दिक्कत क्या होती है उसमें कि आप सोचिए वो छोटा सा पटाखा और उसके अंदर इतनी फोर्स कहाँ से आ जाती है कि इतनी साउंड भी जनरेट हो रही है, हीट भी जनरेट हो रही है, लाइट भी जनरेट हो रही है, धुआं भी जनरेट हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें। तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्सेज हैं। कैसी फोर्सेज हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्सेज होती हैं जो ये सारा काम कर रही होती हैं। अब यहाँ पर जो भी कहानी चलती है ना वो सारी कहानी इंटरनल फोर्सेज की चलती है। किसकी चलती है? और जब जब इंटरनल फोर्सेज बहुत हैवी हो जाती हैं तो तुम्हें भी पता है कि जैसे ही हम इंटरनल फोर्सेज को कंसिडर करते हैं तो हमारे सिस्टम मानने पर इंटरनल फोर्सेज जीरो हो जाती हैं। याद करो, फ्रिक्शन लग रहा था, डब्बा मान लिया दोनों को एक, तो फ्रिक्शन जीरो हो गया। असली में एक एक पे जीरो हुआ क्या? जैसे ही सिस्टम माना तो जीरो हुआ। तो आप उन इंटरनल फोर्सेस को कैलकुलेट नहीं करना चाहते, आप क्या चाहते हो कि मुझे तो बस ये पता लग जाए कि कोई भी बॉम्ब अगर फूटा तो उसके टुकड़े कहाँ गिरे या कितनी वेलोसिटी से गए या कितनी वेलोसिटी से फूटने के बाद जाना चाहिए। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो हमें इंटरनल फोर्सेज में अभी कोई रुचि नहीं है, हमारी सारी रुचि क्या जानने में है, बॉम्ब फूटा तो उसके टुकड़े कहाँ गिरे और फूटने के बाद उन टुकड़ों की वेलोसिटी वगैरह क्या रही। क्या ये बातें समझ में आती हैं? समझ गए सब लोग? तो इसीलिए जब भी फ्यूजन ऑफ बॉम्ब की बात आएगी तो मैं ये समझ जाऊंगा कि मेरे को मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। मुझे क्या लगाना है? मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि बाहर की कोई भी फोर्स हमारे काम की नहीं है और इंटरनल फोर्सेज इतनी बड़ी हो जाती है, मतलब इंटरनल फोर्सेज होती है 1,00,000 न्यूटन और बॉम्ब क्या होता है 300-400 ग्राम का, ये भी ज्यादा बता दिया, 100 ग्राम का पटाखा और इंटरनल फोर्स आ जाती है 1,00,000 न्यूटन की। तो आप सोच लो वो 300 ग्राम क्या हुए, 0.3 kg, और फोर्स में करोगे तो 3 न्यूटन, और फोर्स क्या आती है इंटरनल, 1,00,000 न्यूटन। 3 की कोई 1,00,000 के आगे बिसात है क्या? नहीं है।
तो इसीलिए हम लोग इस वाली बात को समझाना चाह रहे हैं कि ओनली इंटरनल फोर्सेज आर एक्टिंग, एंड जैसे ही इसलिए सिस्टम माना तो सब कुछ क्या हो गया, जीरो। इंटरनल फोर्सेज क्या हो गई, जीरो। और पता है जब पटाखा फूटने के बाद वो जो तितर बितर जाता है, वो तितर बितर में इस तरह से अरेंज होता है कि उसका सेंटर ऑफ मास वहीं जाए जहां उसको जाना था। अगर रेस्ट पे रखा हुआ है तो पटाखा फूटने के बाद में उसके टुकड़े ऐसे जम जाएंगे कि उन सब टुकड़ों का जब तुम M1R1+M2R2+M3R3 एंड सो ऑन लगा के सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो वो वहीं आएगा जहां आना है, उसी पोजीशन। समझ गए? ये बहुत जोरदार बात होती है क्योंकि सिस्टम माना नेट फोर्स क्या है, जीरो। पटाखा पहले किस पे था, रेस्ट पे, तो बाद में भी उसका सेंटर ऑफ मास किस पे रहना चाहिए, तो जब हम पटाखा फोड़ते हैं अपनी जगह पे तो वो इस तरह से फैल जाती है उसकी सारी सारे हिस्से, कि इन हिस्सों का जब हम लोग क्या करें, M1R1+M2R2/M1+M2 करें तो उससे जो RCM है वो उसी लोकेशन पे आ जाए। और अगर आप पटाखा कहीं फेंक रहे हैं तो जहां सेंटर ऑफ मास को गिरना था उसी पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास गिरता है हमेशा। तो अगर रास्ते में कोई पटाखा फूट गया ना तो उसके दो टुकड़े ऐसे फूटते हैं कि उन दोनों का नेट जो है वो सेंटर ऑफ मास पे ही है। वो कहां पे है, सेंटर ऑफ मास पे। बहुत जोरदार बात है अपने आप में, है ना? पर सवाल करेंगे तो समझ में आएंगे। क्या ये बातें क्लियर है? एक लाइन लिखो जल्दी से। When a bomb explodes, the internal forces, when a bomb explodes, the internal forces are very high. Internal forces are very high, and hence are very high, H-I-G-H, high. Internal forces are very high, and hence there is no effect and there is no effect or negligible effect of MG. There is no effect or negligible effect of MG. Full stop. Thus we treat the bomb as a system so that internal forces cancel out and momentum can be easily conserved. So that internal forces cancel out and momentum can easily be conserved. So that internal forces cancel out and momentum can easily be conserved. बात समझ में आई? सभी लोगों को समझ में आई? ठीक है, चलो अब देखो। जैसे मान लो ये बॉम्ब था, है ना, तो सब इंटरनल फोर्सेस का ही खेल है बेटा, सारा किसका खेल है, इसे और कोई फाड़ने के लिए मौजूद, बाहर से हथौड़ा नहीं ला रहे आप। वो वाले बॉम्ब अलग होते हैं, वो जिनको पटक के मारना होता है और फूट जाते हैं, फोड़े होंगे ना वाले बॉम्ब अलग आते हैं, वो रस्सी बम आते हैं, वो सब अलग होते हैं। पर वो जो लैंडमाइन, वो जो आरव बता रहा है, चलता फिरता लैंडमाइन बता रहा के लैंडमाइन नाम के भी बम आते हैं, मानव बम, राइट? तो जो छोटे छोटे से जो बम आते हैं ना, उनको जमीन पे फोड़ो, उनको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होती है। वो इस तरह के बॉम्ब हैं जिनमें अगर एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो वो फूट जाते हैं। बस बेटा पटाखों की आते बाद में, है ना, अच्छे से डिस्कस करेंगे इसी। अभी दिवाली भी आने वाली है थोड़े टाइम में, हाँ, तो तुम चिटपटियां तो लाना शुरू कर चुके होंगे ना, तुमने वो बंदूक चलाई है इसमें कंटिन्यूअस चलती थी, चलो। तो इसीलिए जब पटाखा फूटा तो हमें क्या अप्लाई करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन। अब सुनो कहानी क्या होगी, सुनिए ध्यान दीजिए। अरे एप्पल बना दिया पटाखे की जगह। मान लो बेटा ये कोई पटाखा था
ये वाला पोर्शन 2 किलो का और ये वाला पोर्शन लेट से 4 केजी का, ये रेस्ट पे है बेटा, बातें नहीं। ये किस पे बेटा? रेस्ट पे रखा हुआ था, फूटने के बाद में 4 केजी वाला जो टुकड़ा है ना वो चला गया आगे 10 मीटर पर सेकेंड से। आपसे पूछा आफ्टर कोलिजन 2 केजी की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है? फूटने के बाद में 4 केजी का मास गया आगे की तरफ कितने से? 10 से। आपसे छोटा सा सवाल किया, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द 2 केजी ब्लॉक आफ्टर एक्सप्लोजन? जल्दी बोलो। सबको आ गया? यस सर। कुछ भी नहीं करना है। इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। क्या फाइनल मोमेंटम लिखना आता है? इनिशियल मोमेंटम तो 0 था क्योंकि रेस्ट पे पड़ा था। फाइनली 4 कितने से जा रहे हैं? 10 से। 2 कितने से जा रहे हैं? पता नहीं। अरे बोलो तो 4 × 10 + 2 × समझ ही नहीं आया? नहीं आया? m1v1 + m2v2। और इनिशियली वेलोसिटी 0 थी इसलिए p इनिशियल इज व्हाट? 0। तो बोलो इक्वेट कर दें इनको, क्या आ गया बोल? 4 × 10 मतलब कितना बेटा? 40 इज इक्वल टू क्या? -2v। तो वेलोसिटी देखो -20। व्हाट डज -20 मीन? आगे जा रहा है या पीछे? पीछे की तरफ 20 से। क्या ये बात समझ में आ गई? देखो मैं यहां पर चाहता तो माइनस साइन लगा लेता, पर वो माइनस साइन कब लगाता? जब मैं पहले ही मान लेता कि ये पीछे जाएगा। मैंने बोला मुझे तो पता ही नहीं है फूटने के बाद कहां जा रहे हैं। मैंने क्या बोला? मुझे नहीं पता पीछे जाएगा कि आगे जाएगा। आप तो फॉर्मूले में एज इट इज फुट कर दो प्लस के साथ, अपने आप ही जो फाइनल आंसर आएगा वो आंसर आपको बता देगा कि भाई साहब कहां जाएंगे। क्या -20 का मतलब है पीछे जा रहे? 100% डू इट। इस बार बेटा इनिशियली ये 5 किलो का पटाखा रेस्ट पे नहीं है, 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। फूटने के बाद में 3 किलो वाला जो पटाखा बचा, मतलब 3 किलो का जो हिस्सा था वो 10 से आगे चला गया। आपको 2 केजी की वेलोसिटी निकालनी है। कुछ लोग बोल रहे हैं 35 और कुछ बोल रहे हैं 70/2। कुछ लोगों को कैंसिल आउट करना नहीं आता है, कोई बात नहीं। आ गया? बोलो क्या आ गया? क्या इनिशियली 20 से जा रहे? व्हाट इज पी इनिशियल? क्या बेटा 5 × 20 मतलब 100? व्हाट इज पी फाइनल? बोलते भी नहीं हम। व्हाट इज पी फाइनल? क्या 3 × 10 + 2 × v? वेरी गुड, इक्वेट कर दो कितना आ गया? 100 = 30 + 2v। ध्यान से देखो बेटा, v पॉजिटिव आई नेगेटिव आई? पॉजिटिव आई नेगेटिव आई? ध्यान दीजिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? v की वैल्यू कितनी आ गई? मतलब 2 केजी भी आगे ही जा रहे हैं भाई साहब। 2 केजी भी कहाँ जा रहा है? 35 मीटर पर सेकेंड। तो ये कोई जरूरी नहीं है बॉम्ब फूटेगा तो सब इधर ही जाएगा, क्या पता बॉम्ब पहले से ही चल रहा हो तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए वो भी आगे जाने लगता है। तो सब कुछ आगे जा रहा है, बेसिकली सब कुछ कहाँ जा रहा है? आगे आगे। क्या ये बातें क्लियर है सभी लोगों को? वेरी गुड। तो एक और करें, आ जाओ कबू। पटाखे को अगर आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता? अरे वो तो डिपेंड करेगा ना कितने छोटे टुकड़े हो रहे हैं। 2 टुकड़े हों जरूरी है? तो फिर ये ले 3 कर दे, ले तू खुश रहे। ये ले 3 टुकड़े। ये कैसे टुकड़े कर? ये ले 1 किलो, 1 किलो, 1 किलो, ठीक है। मान लो ये जो 1 किलो वाला ब्लॉक है ना, ये ऐसे 37 डिग्री से 10 मीटर पर सेकंड से निकल गया।
ये वाला एक किलो मान लो 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर निकल लिया, आपको बोला इसकी वेलोसिटी बताइए, इनिशियल कंडीशन रेस्ट, फूटने के बाद बना हुआ है। आरव बस क्या एक ही तरफ जा रहा है क्या? तो फिर -9 से ऊपर जा रहा है, वाह। अच्छा 9 से नीचे जा रहा है, 8 से आगे भी जा रहा है। अच्छा आपने x और y अलग अलग सॉल्व किया है क्या? चलो चेक करें, चलो करते हैं भाई। इसका ये कंपोनेंट कितना हो गया 8, और इसका ये कंपोनेंट कितना हो गया 6, बोलो सही है। इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं, पी इनिशियल इज व्हाट, 0, लेट्स से पी फाइनल। अच्छा पी फाइनल x का अलग y का अलग, x और y दोनों का इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, फाइनल x का बोलो क्या 8 into 1, बोलते भी नहीं हो। x में वेलोसिटी कितनी है इसकी और मास कितना है 1, ये तो x में जा ही नहीं रहा, तो इसका मोमेंटम आएगा क्या? आएगा ही नहीं, तो +1 into 0, इसके बारे में पता नहीं, तो क्या लिखूं बोलो, +1 into v, और वी एक्स कर दिया, इसको क्या कर दिया, क्या इक्वेट कर दिया जाए, तो 0 is equal to, मैं पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल अप्लाई कर रहा हूं, तो 0 is equal to व्हाट बोलो, 8 plus, तो बेटा वी एक्स कितना आ गया, -8 meter per second, समझ ही नहीं आया, -8 मतलब क्या, पीछे को 8 से, चलो भाई ये तो पता लग गया। आप ऐसे ही y का भी कर लो, p initial y should be equal to p final y, p initial y is what, 0, p final y लिखता है, बोलिए 6 से गया, 6 into 1, सही है, ये कितने से गया इधर वाला, 3, तो 3 into, क्या दोनों ही ऊपर गए, जिसका पता नहीं उसका 1 into vy, बोलो सही है, vy की वैल्यू क्या है, -9 meter per second, बता सही है क्या? आ गया सबको? तो बोल जब इसकी वेलोसिटी लिखेंगे हम लोग आफ्टर कोलिजन, तो वी वेक्टर क्या लिखेंगे, -8 i cap -9 j cap, बोल सही है। अब आपसे कोई पूछे डायरेक्शन बताओ किधर जा रहे, तो क्या टेन अल्फा, क्या निकाल लोगे, व्हाट इज टेन अल्फा, 9/8, नहीं आया, ये डायरेक्शन आ गई, ये क्या आ गई डायरेक्शन, कैसे है इसकी, दोनों नेगेटिव है ना, ये -8 ये -9, ये आया बेटा वी नेट, ये क्या है इसका, और अगर कोई स्पीड पूछ ले तो स्पीड कैसे निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड, तो 64 + 81 का अंडर रूट, कुछ समझ नहीं आया क्या क्या बता दिया आपने, इसका मैग्नीट्यूड क्या स्पीड होगी, खत्म। डायरेक्शन क्या होगा, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, भूल गए क्या तुम लोग, नहीं याद आ रहा, नहीं आया समझ, आ गया ना मैं ही प्रैक्टिस करके जा रहा हूं क्या, तुम्हें भी कुछ आ रहा है ना, पक्का, बहुत लड़ाई करती है तू, और क्या पता लगा मेरे को, 4m मास है, कितना मास, 4m मास, उसको हमने 100 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। यार सुन लो, अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दो, 4m मास को 100 मीटर पर सेकंड से हमने प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, है ना, इसके साथ में क्या हुआ, बेचारा परेशान था थोड़ा सा, ये फूट गया, ये क्या हो गया, फूट गया, और फूटा भी तो कहां पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे आके फूटा भी तो कहां पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे आके। अच्छा टॉप मोस्ट पॉइंट क्या होती है, वेरी गुड बेटा, आपको पता है टॉप मोस्ट पॉइंट को एच मैच बोलते हैं, और जैसे ही फूटा ना इसके साथ में क्या हुआ, बूम, फूटने पे कैसी हो जाती है, बूम, ये क्या था, क्या भालू हमला कर रहा था, चल तो देखिए इसके साथ में क्या हो गया, बूम,
जैसे ही इसके हाथ में बूम हुआ तो 4M के दो टुकड़े हुए, जिसमें M नाम का टुकड़ा तो बेटा हाथों हाथ वहीं नीचे गिर गया। M नाम का टुकड़ा तो हाथों हाथ ठीक नीचे गिर गया एक्सप्लोड होकर। हमें यह बताना था कि 3M वाला टुकड़ा कहाँ गिरा होगा। हमें क्या बताना था, 3M वाला टुकड़ा कहाँ गिरा। करिए इसका हिंट मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। और डिस्टेंस जो मेजर करनी है आपको यहीं से करनी है, इनिशियल प्रोजेक्शन पॉइंट से। 4M को फेंका 100 से 37 डिग्री पे, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री पे, इसके साथ में बूम हो गया। बूम होने से क्या हो गया, M मास वहीं गिर गया। ये नहीं पता लगा कि 3M कहाँ गिरा, तो आपको यही बताना था कि 3M कहाँ गिरा। क्या हो गया? आओ सुनो मैं बताऊं, ध्यान दीजिए सब, इट्स अ न्यू क्वेश्चन फॉर यू, ध्यान देते हैं। सुनो भाई, यहाँ पर बूम हुआ ना, यहाँ पर M गिरा। अब याद करो, मैंने अभी अभी तुमको एक बात बताई थी कि अगर ऐसे फेंका तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है क्या? ऐसे में थोड़ी रेस्ट पे है, तो सेंटर ऑफ मास तो वहीं गिरता है जहाँ उसे गिरना है। कहाँ गिरना है इसने सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ। तो सेंटर ऑफ मास तो वहीं गिरा जहाँ उसे गिरना था, सी की लोकेशन तो यही है। पर जो उसके टुकड़े हुए वो ऐसे गिरे कि सी यहीं रहे, इसके जो टुकड़े गिरे वो ऐसे गिरे कि सी यहीं रहे। अब सोच, अगर M यहाँ गिर गया तो 3M पीछे गिरा होगा, यहाँ गिरा होगा या आगे गिरा होगा? फील आ गई? यस सर। वेरी गुड, अब तो सवाल ही हो गया। यहाँ कौन गिरा होगा? 3M। क्या ये बात क्लियर है सभी लोगों को? अब ये जो आपका 3M गिरा है ना बेटा, इसी 3M से अपनी सारी कहानी चलने वाली है, ठीक है? अब सुनो, मेरे को बताओ ये कहाँ गिरा है? M R by 2 पे। What is R by 2 इस वाले क्वेश्चन में? What is R? 2 UX UY by G? बोलो कितना आ गया? 2 into 80 into 60 upon 10। यार बोल भी नहीं रहा यार। 2 6 are 12, 12 8 are 960 मीटर आ रहा है। तो 960 मीटर तो रेंज है, 960 मीटर क्या है? रेंज मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। भाई यहां से सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है? आपने रेंज निकाल ली ना, तो रेंज वही लोकेशन तो है ना यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को गिरना था। समझ ही नहीं आया सबको? आया? रेंज आपकी वही लोकेशन है जहां पे किसको गिरना था, तो सेंटर ऑफ मास तो यहां गिर गया, ठीक है? अब बता M कहां गिरा? आर एम क्या है? क्या बेटा इसका आधा? आधा इज व्हाट? 480, सही बोल रहा हूँ ना? अपॉन टू कर बेटा देख, क्या 480 आएगा? आर 3M पता है क्या? नहीं पता, तो हाउ टू फाइंड इट आउट? आर सी एम का फॉर्मूला नहीं पता? एम वन आर वन प्लस अपॉन, कैन यू अप्लाई? RCM क्या है? 960। अरे ओरिजिन तो यहाँ है ना, तो व्हाट इज योर RCM यानी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कहाँ पे? 960 इज इक्वल टू M1 बोल, M1 M को मान लूँ, तो M into 480 प्लस M2 किसको मान लूँ? 3M into X, X मान लूँ इसे? इस वाली डिस्टेंस को X मान लिया बेटा, 0.0 से 3M तक की ये डिस्टेंस क्या मान ली गई है? एक्स मान ली गई है जो हमें निकालनी है, अपॉन क्या बेटा? 4M। अभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, खत्म। बताना क्या आ रहा है? 1 1। भरोसा करने लायक हैं आप लोग? आंसर आ गया था क्या किसी का? आ गया था? वेरी गुड। अरे आया कुछ समझ में? अच्छा सवाल। अब इसको क्या करने का एक तरीका है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, यहां मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, वहां पे मोमेंटम कंजर्व करते हैं। यहां मैक्सिमम हाइट पे क्या करते हैं अपन लोग? मोमेंटम कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व करने के बाद में अपन लोग यहां से लेके यहां तक ये जो मैक्सिमम हाइट आप देख रहे हैं इसकी रेंज निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। समझ गए? इतनी कहानी करनी पड़ती है, वो तो हमारे लिए बेकार है ना, इसीलिए शॉर्ट में किया जाता है।
ये इसका सबसे सिंपल और सबसे स्मार्ट तरीका है करने। बात समझ रहे हैं आप लोग? ये जो आप लोग तरीका देख रहे हैं, दिस इज द बेस्ट तरीका टू डू दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। अगर इस तरह के क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं तो जल्दी सॉल्व होते हैं, अदरवाइज तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ कर सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर वो लंबा है। इस मेथड में एक लाइन ही तो यूज करनी है, रेंज निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती अपने आप हो जाती। क्लियर है बात? चलो फिर कल मिलते हैं। ओके बाय।